नमस्ते, धन्यवाद मधु जी, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे प्रश्नोत्तर करने का अवसर दिया। आप एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योग ट्रेनर है, आपके यूट्यूब चैनल योग जर्नी के माध्यम से आप बहुत ही बढ़िया ज्ञान सबको दे रहे हैं। आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, प्राणायाम हो या आसन, योग निद्रा हो या मेडिटेशन, या हस्त मुद्रा हो या अफर्मेशंस, सभी विषयों का ज्ञान आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समाज को बांटा है। धन्यवाद उत्पल जी, पीस विद योग पर मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी चैनल पीस विद योग के सभी सब्सक्राइबर्स से मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय मधु जी की चैनल योग जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही उत्तम योग का ज्ञान इनसे मिलने वाला है। इनकी चैनल के थ्रू आपको कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होगा, तो मेरा अनुरोध है कि आप उनकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उनके चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर, जो कि सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत उत्तम जानकारी होने जा रहा है। मेरा पहला प्रश्न है, योग क्या है, डेफिनेशन ऑफ योगा? दोस्तों, मेरे हिसाब से जो मैंने पिछले 25-30 सालों में सीखा है कि योग जीवन जीने की कला है। योग इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग। जब आप योग करते हैं, ये न सिर्फ आपके शरीर पर असर करता है, बल्कि आपके मन पर, आपकी भावनाओं पर, यानी आपको ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से आप माइंडफुल हो जाते हैं। आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। धन्यवाद आपका। अभी मैं जानना चाहूँगा कि मन को वश में करने के लिए क्या करें? देखिए, मन हमारा एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसे आप जितना रोकेंगे, उतना ही वो काम ज़्यादा करेगा। तो आपको किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना है, सिर्फ मन पे हल्की सी अपनी निगाह रखनी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब काम कर रही होती है, एक निगाह उसकी अपने बच्चे पर रहती है। तो मन को काबू करने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुल होते हैं, आप अपनी ब्रेथ को चेक करते हैं, आप अपने थॉट्स को चेक करते हैं, आपके अंदर जिस भी तरह की भावनाएं हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, वो सब चीज़ें आप अपने आप के साथ बैठकर एक दृष्टा की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। और ऐसा करने से धीरे धीरे आप अपने विचारों को, अपने मन को एक दिशा दे देते हैं, और वो दिशा देने से आपका मन आप ही के काबू में रहता है। मधु जी, हमें बताइए कि योग क्यों करें? दूसरी एक्सरसाइज जैसे कि जिम्नेशियम, वॉकिंग, उन सबसे योग कैसे बेहतर है, ये जरा आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है उत्पल जी। अगर आप वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो सिर्फ आपके शरीर पर असर करेगा। लेकिन जब आप योग करते हैं, तो ये ना सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि आपके मन को, आपकी भावनाओं को, हर चीज़ को आप अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो हम योग को एक्सरसाइज ना ही कहें तो बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि योग जीवन जीने की कला है। ये आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करता है। आप माइंडफुल हो जाते हैं, माइंडफुल ईटिंग करते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, माइंडफुल टॉकिंग करते हैं, माइंडफुल वॉकिंग करते हैं, यानी जीवन के हर कार्य में अगर आप योग करते हैं तो वो झलकता है। अगला प्रश्न आपसे है कि मेडिटेशन या किसी भी योगिक क्रिया से कैसे हम अपने अंदर के विकारों को बाहर निकाल सकते हैं, हम खुद ही अपना शुद्धिकरण कैसे कर सकते? बहुत बढ़िया सवाल। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्या है? हम कुछ देर आंखें बंद करके अपने आप के साथ बैठते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, जो भी हमारे मन में चल रहा है। तो जब हम अपने आप के साथ बैठते हैं, तो नेचुरली जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे विचार हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, वो सब खुल के हमारे सामने आते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि भाग दौड़ से भरी हुई ज़िंदगी है,
हमारे पास सबके लिए टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है। तो मेडिटेशन एक वो ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है जब आप अपने आप के साथ रहते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, आपके अंदर जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हैं, आपको अपने आप सॉल्यूशन सुझाई देते हैं। तो मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, आसन करें, आप देखेंगे कि आप अपने आप में एक नए पर्सन को रीडिस्कवर कर सकते हैं। और एक प्रश्न है भोजन के विषय में, भोजन हमें कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, आप सभी ने सुना है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। भोजन का हमारे जीवन पर बहुत असर आता है। सात्विक आहार का बड़ा महत्व है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने योग करना शुरू किया है तो हम अपनी फूड हैबिट्स को एकदम से चेंज कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ योग करें, आप में अपने आप माइंडफुलनेस आएगी कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। तो योग जो है वो अपने आप आपको सिखाएगा, आपको उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करने हैं। और आप देखेंगे कि जब आपके आहार में परिवर्तन आता है तो आपके विचारों में भी अपने आप परिवर्तन आता है। प्रश्न है अफर्मेशंस क्या है, अफर्मेशंस से क्या सच में लाभ होता है, अफर्मेशंस बोलने का सही तरीका और सावधानियां क्या। दोस्तों, अफर्मेशंस ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं या आप कह सकते हैं ऐसे मंत्र हैं जिन्हें जब हम बार बार दोहराते हैं तो वो सीधे सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें जब जब बार बार बोली जाती हैं, अफर्मेशंस, चाहे वो हेल्थ के लिए हो या मनी के लिए हो, जिस भी चीज़ के लिए आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको उस चीज़ पर विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए आप हेल्थ के लिए अफर्मेशंस कर रहे हैं तो आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। जो भी अफर्मेशंस आपने तय किए हैं उन्हें पूरे विश्वास के साथ बोलें और दिन में कम से कम दो बार बोलें। दो टाइम जो सबसे बेस्ट टाइम है अफर्मेशंस बोलने के लिए, एक रात को सोने से पहले और दूसरा सुबह उठते ही, क्योंकि ये वो ऐसा वक्त होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। तो जो भी उस वक्त हम अफर्मेशंस बोलते हैं वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस पर असर करता है और उनका ज़्यादा असर आता है। और अफर्मेशंस करने के लिए मिनिमम टाइम कम से कम 21 दिन तक उन्हें लगातार बोला जाए तो उनका असर होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, किसी भी थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने के लिए कम से कम 21 दिन का समय लगता है उसके अंदर। धन्यवाद मधु जी, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे प्रश्नोत्तर करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उत्पल जी मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। मैंने आपका चैनल देखा है पीस विद योग और मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर होने के साथ साथ मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं, आप सर्टिफाइड माइंड पावर ट्रेनर, स्पिरिचुअल हीलर और वीडियो इन्फ्लुएंसर भी हैं। इतनी सारी क्वालिटीज़ एक साथ किसी एक पर्सन में, और आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ हम आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे और दर्शकों को इसका ज़रूर बहुत बहुत लाभ मिलेगा। मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, योग जर्नी के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे अपील करूँगी कि आप डेफिनेटली पीस विद योग चैनल पर जाके देखें। उत्पल जी ने बहुत ही कमाल के वीडियोस डाले हैं, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप भी ज़रूर चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड हों आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तो जाने से पहले फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसी तरह हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।